दोस्तों, इस वीडियो में आपसे Realme Buds Wireless 2 Neo वायरलेस ईयरफोन के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपको ये ईयरफोन परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करना चाहिए। जब ये ईयरफोन लॉन्च हुए थे तब इनकी प्राइस 1500 रुपये के आसपास थी, लेकिन इन्हें हमने ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन डे सेल में 1000 रुपये में परचेज किया है। और ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन डे सेल के बाद 1000 रुपये में हमें देखने को नहीं मिले उसके बाद कभी भी, लेकिन अभी भी हमें 1200-1300 रुपये के आसपास देखने को मिल जाते हैं। और ऑफर वगैरह में आपको 1200-1300 के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इन ईयरफोन का ओपिनियन में आपको 1200-1300 रुपये के हिसाब से देने वाला हूँ। और 1000 रुपये में अगर आपको ये मिल जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी डील बन जाती है। तो बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस टाइप से मिल जाती है। और मैंने फ्लिपकार्ट से ग्रीन कलर वाला वेरियंट परचेज किया था और अमेजोन से ब्लैक कलर वाला वेरियंट परचेज किया था। दोनों ईयरफोन्स को मैंने 1000 रुपये में परचेज किया था। सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स पर लिखी गई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इन ईयरफोन को लॉन्च हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इन ईयरफोन को यूज करते हुए हमें 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और 4 महीने से हम इन्हें यूज कर रहे हैं। ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, बाद में ये मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अपना फीडबैक दे सकूँ। बॉक्स में हमें ईयरफोन के साथ टाइप सी की डाटा केबल देखने को मिल जाती है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और सिलिकॉन ईयर टिप देखने को मिल जाती है, साथ में मैनुअल देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स में हमें टोटल 4 चीज़ें देखने को मिल जाती है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। और अगर इनके फीचर की बात करूँ तो सबसे हाईलाइटेड फीचर है इसकी 17 घंटे की बैटरी लाइफ, जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से सही है। OnePlus के बुलेट वायरलेस Z बेस एडिशन जो नेकबैंड ईयरफोन है वो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से 1500-1700 के हिसाब से काफ़ी अच्छे ईयरफोन थे, लेकिन जब ये Realme Buds Wireless 2 Neo ईयरफोन लॉन्च हुए तो इन्होंने कहीं ना कहीं उन ईयरफोन को बीट किया। और Realme Buds Wireless 2 भी हमें 2000 रुपये के देखने को मिलते थे, लेकिन अभी वो भी हमें 1700 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, 1700 में तो आप उन्हें इग्नोर करें तो अच्छा होगा, आप उसके बजाय OnePlus बुलेट वायरलेस Z बेस एडिशन ही परचेज कर ले। लेकिन मैं अगर 1200-1300 की प्राइस रेंज के हिसाब से बात करूँ तो इन ईयरफोन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी 1200-1300 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से ओवरऑल सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें ओवरऑल अच्छा साउंड देखने को मिल जाता है, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो प्लास्टिक का जो टेक्सचर है ये पसंद नहीं आया। OnePlus बुलेट वायरलेस Z या बोट के जो ईयरफोन होते हैं 1000 रुपये के बजट में, उनमें हमें मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, तो मैट फिनिश मुझे पर्सनली सही लगती है, ये टेक्सचर डिजाइन मुझे पसंद नहीं है। वैसे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये प्रीमियम डिजाइन थोड़ी होती तो अच्छा होता, ये हमें प्रीमियम फील नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे सही नहीं लगा, बाकी और सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। IPX4 की हमें इसमें रेटिंग देखने को मिल जाती है और मैग्नेटिक कनेक्टिविटी इसमें हमें देखने को मिल जाती है। तो इनमें हमें 11.2 mm का बेस्ट ड्राइवर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन प्रोवाइड करता है प्राइस रेंज के हिसाब से। 11.2 mm के ड्राइवर के साथ इसमें हमें SBC और AAC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 150 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और ब्लूटूथ की रेंज 13 मीटर की देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी रेंज है। और अगर इसके मैं मॉडल नंबर की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर RMA 2001 है। SBC कोडेक सब बैंड कोडेक होता है और AAC कोडेक एडवांस ऑडियो कोडिंग कोडेक होता है। तो SBC कोडेक तो हमें नॉर्मली किसी भी ईयरफोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन AAC कोडेक इस प्राइस के ईयरफोन में हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इन्हीं Realme के Realme Buds Wireless 2 Neo में। इन Realme Buds Wireless 2 Neo में हमें मल्टीपल डिवाइस स्विचिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि हम इन्हें मल्टीपल डिवाइस में स्विच कर सकते हैं। 1200-1300 रुपये की प्राइस रेंज में अच्छा साउंड है, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। और 88 मिलीसेकंड की इसमें सुपर लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि ब्रांड ने क्लेम की है। तो लेटेंसी भी सही है, मतलब ज़्यादा आपको फील नहीं होगा और काफ़ी अच्छी लेटेंसी है प्राइस रेंज के हिसाब से। तो उनके कंपैरिजन में मैं इनमें कम लेटेंसी देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इन्हें कंटिन्यू यूज करेंगे तो 15 घंटे से ज़्यादा आपको इनकी बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, नॉर्मली हम कभी भी ईयरफोन्स को कंटिन्यू यूज़ नहीं करते हैं, आपको नॉर्मली डे टू डे यूजेज में और कैजुअल यूजेज में 3 से 4 दिन के आसपास बैकअप देखने को मिल जाएगा, और वो आपके यूजेज पर डिपेंड करता है कि आपको कम का भी बैकअप देखने को मिले या ज़्यादा का भी। लेकिन आप 2 दिन तक तो आराम से इनका बैकअप मानकर चलिए, क्योंकि 15 से 17 घंटे तक हम कंटिन्यू ईयरफोन को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बैटरी बैकअप दोस्तों आप 15 घंटे का मानकर चलिए, और ये 10 मिनट चार्ज पर आपको 2 घंटे का बैकअप दे देंगे बैटरी का, और ये 2 घंटे के फुल चार्जिंग टाइम पर आपको 15 घंटे का बैकअप देंगे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, 1000 रुपये में अगर आपको ये मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी डील होगी आपके लिए, लेकिन 1200-1300 रुपये में भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आपको 1200-1300 रुपये की प्राइस रेंज में भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल जाता है। 1000 रुपये में Realme के जो डीजो वायरलेस ईयरफोन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं अभी नॉर्मल डेज में। और दोस्तों, Realme के डीजो वायरलेस नेकबैंड की भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और आपको बेटर आइडिया लग जाएगा उसे देखने के बाद। वो भी हमें 1000 रुपये के देखने को मिले थे, और वो नॉर्मली आपको कभी कभी 1000 रुपये के देखने को मिल सकते हैं। ये ईयरफोन तो आपको बाई चांस ही 1000 रुपये के देखने को मिले, या आपको 1200-1300 रुपये के देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको 200-300 रुपये मैटर नहीं करते हैं तो आप इन ईयरफोन पर जाएं, लेकिन अगर आपको 200-300 रुपये मैटर करते हैं तो आप 1000 रुपये में उन्हें परचेज कर सकते हैं विदाउट सेल में, वो आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। और मैंने बाकी जो ईयरफोन है उनके भी वीडियो बना रखें,
आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी के वीडियोस को चेक कर सकते हैं ताकि आप बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि आपको कौन से ईयरफोन किस प्राइस रेंज में परचेज करना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन का ऑप्शन होगा मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो अगर इन रियलमी बड्स वायरलेस 2 ईयरफोन के बारे में अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूं तो इन्हें आप 1200-1300 रुपये में आराम से परचेज कर सकते हैं। 1500 रुपये में आप दूसरे ऑप्शन पर जाएं तो अच्छा होगा। और अगर आपके लिए बैटरी लाइफ मैटर करती है तो आप बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। इनमें बैटरी लाइफ हमें तगड़ी वाली देखने को नहीं मिलती है। आजकल 24-24 घंटे और 30-30 घंटे क्लेम करने वाले ईयरफोन भी आ चुके हैं 1500 की प्राइस रेंज में, जैसे कि हमें बोट में देखने को मिल जाते हैं। और ओप्पो इनको M32 भी देखने को मिल जाते हैं हमें, जिनमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलती है 30 घंटे के आसपास। तो बैटरी लाइफ के हिसाब से तो दोस्तों ये ईयरफोन तगड़े नहीं है, लेकिन ओवरऑल फीचर और क्वालिटी के हिसाब से ये ईयरफोन सही है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की अगर इनकी रेटिंग की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पर इनको 17,000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और टोटल 5 में से 4.2 रेटिंग इनकी आई है। और अगर इनकी फ्लिपकार्ट की मिनिमम प्राइस की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पर मिनिमम प्राइस इनकी 1100 रुपये आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये मैंने 1000 रुपये में बिग बिलियन डे में परचेज किए थे अक्टूबर में। और अगर अमेजन की मिनिमम प्राइस की बात करूँ तो अमेजन पर भी इनकी मिनिमम प्राइस 1000 रुपये देखने को मिल जाती है आपको, देख सकते हैं आप प्राइस ग्राफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर टोटल ओवरऑल अमेजन की रेटिंग की बात करूँ तो अमेजन पर इन्हें 87,000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और टोटल इनकी रेटिंग 5 में से 4.1 आई है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आप भी इन रियलमी बड्स वायरलेस 2 नियो ईयरफोन को यूज़ कर रहे हैं या आप भी रियलमी बड्स वायरलेस 2 या फिर रियलमी के डीजे ईयरफोन को यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें।